ओ अस्सलाम वालेकुम भाई। ओ वालेकुम सलाम। अरे कैसे हो? ठीक है। हिंदी हो? माशाल्लाह। नहीं हिंदुस्तान, बॉम्बे। नहीं नहीं आप लोग हो ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ऑटो फरारी भी यहाँ पे अवेलेबल है कुछ ऐसा। मेहमान मेहमान। शुक्राना। हम पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और हिंदी कितना ज्यादा समझ लेते हैं? हिंदी हिंदी कतना न हो है। हमारे साथ रहो, रोटी खाएंगे हमारे लिए की खिदमत। अरे शुक्राना भाई, तो अलग ही माहौल है। आप चारों तरफ देखो, सब लोगों ने हमें यहाँ पे घेर लिया हुआ है। अभी किसी बंकर के पास तालिब AK-47 लेके गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अफगानिस्तान। उसमें सक्सेसफुली ऑफिशियली मेरी एंट्री हो चुकी है। तो कल मैं पहुंचा हूं इस अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में। सो ऐसा है भाई, कुंदूज शहर अभी अफगानिस्तान का, मतलब इसको देख के तो लिटरली पूरे इंडिया की याद आ रही है। जैसे इंडिया में हमारे हर जगह भाई चौराहे और दुकानें वगैरह भी जैसे चौक के बाजारें होती ना, वैसा माहौल नजर आ रहा चतरा। और ये हर जगह TVS वाली ऑटो। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में ना भाई खरबूजे की क्वालिटी आप देख लो। हमारे जो रहमान भाई हैं वो बोल रहे हैं कि आपको हम तरबूजा खिलाना चाह रहे हैं। अब ये देखिए हमारे जो काका हैं, इन्होंने खरबूजा काटा और शुक्राना। कुंदूज में खरबूजा खाया जा रहा है रहमान भाई के साथ खरबूजे की दुकान पे। तो 60 अफगानी से लेके 70-80-90-100 इतने का हिसाब किताब है। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। मतलब जो मिठास है ना बहुत मीठा भाई, वाकई आई थिंक इतना मीठा खरबूजा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया होगा। बिलीव नहीं हो रहा कि ये चीनी चीनी पूरा गुड़ जैसा स्वाद आ रहा है यार। तो अफगानिस्तान के सड़कों पे खरबूजा खाने का मजा कुछ अलग है। तो यहाँ की जो लोकल लाइफ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन सब एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं। हर जगह TVS की जो ऑटो है ना टुक टुक, ये आपको सड़कों पे दिखाई देगी भाई। और यहाँ की जो टैक्सियाँ हैं ना कुछ ऐसी हैं कि हम इनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में गए और वहाँ पर हमने अपने वीज़ा का फाइनल काम जो बाकी था वो करा लिया हुआ है। तो हमारे पासपोर्ट पे ऑफिशियली अफगानिस्तान का जो फाइनल स्टैम्प होना था वो इनके मिनिस्ट्री ने लगा दिया। तो अब हम सेफली बिना किसी मुश्किल के इस अफगानिस्तान कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। काबुल का जो डिस्टेंस है कुंदूज से ना वो लगभग 365 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। तो 365 किलोमीटर के लिए यहाँ से बस भी चलती है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके हम ट्रैवल करें। बट वो आई थिंक 1500 से लेके 1800 रुपये के आसपास ये चार्ज करते हैं। तो ये रहमान भाई थे, ये बोले कि हम आपको ड्रॉप कर देंगे अपनी कार से, आपको बीच बीच में फ़ोटो वीडियो भी अगर लेना तो वो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इन्होंने फाइनली 5000 रुपये में हमसे डिस्कस किया हुआ है, 5000 अफगानी। तो हम दोनों भाई सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, रहमान भाई को लेके चलते हैं। अफगानिस्तान में भी भाई टेम्पो वगैरह चल रही है, ये आप देखिए कुछ ऐसी है यहाँ की ऑटो टुक टुक टेम्पो। हाइस्ता खान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप हिंदी कहाँ से सीखे? हिंदी हम पाकिस्तान में पैदा हुए थे। अच्छा आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे? 10-12 साल जो पाकिस्तान से रहे थे, फिर आप इधर आ गए। अब आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। आप लोगों से मिलने आए? थैंक यू। बम्बई, थैंक यू। शुक्राना। हम जाएंगे। शुक्राना, आप ही आइए माशाल्लाह। कोई खिदमत? शुक्राना, हमारे साथ रहो, रोटी खाएंगे। अरे माशाल्लाह शुक्राना। इस अफगानिस्तान की ऑटो, यहाँ की ट्रकें और यहाँ की टुक टुक, यहाँ की ऑटो ऐसा देख रहा है कि मैं इंडिया में ट्रोल कर रहा हूँ। जिस तरीके से हम अपने इंडियन गाड़ियों को सजाते हैं ना, कुछ वैसा इन्होंने सजाया हुआ है। सेंट्रल एशिया में आप मोस्टली देखोगे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ में ना बाइक आपको कम दिखेंगी। बट यहाँ पे ये अलग अलग ब्रांड की बाइकें हैं। फरारी लिखा हुआ है भाई, अब फरारी भी यहाँ पे अवेलेबल है कुछ ऐसा। तो ये है यहाँ की अफगानिस्तान की बाइकें। तो ये है अफगानिस्तान का फिलिंग स्टेशन, कुछ ऐसा है। ओ सलाम सलाम, कैसे हैं? बढ़िया, हिंदी आप ही बोलते हैं माशाल्लाह। हम हिंदुस्तान से आए हैं, बम्बई। खुशामदी। अफगानिस्तान? हाँ अफगानिस्तान। शुक्राना। मेहमान मेहमान। ओह माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुनीर। मोहम्मद मुनीर। अंश। अंश, मेरा नाम अंश है। शुक्राना शुक्राना।
पेट्रोल यहाँ पे जो है ना अफगानिस्तान में वो है 65 रुपए, यानी 65 अफगानी जो कि इनकी लोकल करेंसी, यानी आप इतना ही मान के चलिए इंडियन करेंसी में इतनी वैल्यू हुई। भाईजान डीजल 63 रुपए 31 रुपए एलपीजी गैस 31 रुपए सिर्फ 1 लीटर 1 लीटर 1 किलो नहीं, 2 किलो 2 लीटर 1 किलो बनते हैं। अच्छा 2 लीटर 1 किलो बनते हैं, ये जो 1 लीटर 31 रुपए में। ज्यादा क्या यूज करते हैं, गैस पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल गैस जो इधर है तो वो गैस उतना अच्छा गैस नहीं है, जो हम उसने गाड़ी के इंजन को स्टैंडर्ड रखे उस गाड़ी में वक्त आने पर प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम जो सुबह से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल स्टार्टिंग अच्छी, दूसरे इंजन खराब नहीं करते, इंजन खराब नहीं करते, इसलिए आप लोग पेट्रोल ज्यादा यूज, पेट्रोल भी यूज करते हैं, गैस भी यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, और गाड़ी महंगी है सस्ती है? यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे इतना महंगी नहीं, सस्ती है। और सारी सब नई गाड़ियाँ सेकंड हैंड बाहर से आती है? चाइना गाड़ी तो यहाँ पे बहुत कम है, जो जापानी गाड़ी जाती है वो ज्यादा आती है, कनाडा वाला गाड़ी जो वो आती है, ये सिंगापुरी गाड़ी जो होती है वो आती है। हिंदुस्तान की कौन सी गाड़ी है? टीवीएस हर जगह जिंदा। क्या लगा आपसे मिलके भाई जान, आप हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? जब मौका मिल जाए तो हम बुला रहे हैं ना आपको। शुक्रिया भाई जान। जैसे गलीचा और मचान नहीं होता, अफ्रीका में भी मैंने आपको दिखाया था, तो इस तरह से ये लोग मचान पे ऐसे बैठते हैं, तो ये आपको हर घर में यहाँ अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। ये लोग सोफा वगैरह कम यूज करते हैं, मोस्टली इस तरह की जो दरी होती है ना चटाई, उसी को ज्यादातर बैठने खाने पीने के लिए ये लोग यूज किया करते हैं। अफगानिस्तान में कल से लेके आज तक की जो फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट फीलिंग है ना, ऐसा फील हो रहा है कि वाकई मैं सिर्फ कंट्री चेंज किया हूँ, नाम का मैं अफगानिस्तान में हूँ, बट जो फीलिंग आ रही ना वो लिटरली इंडिया की आ रही है। यहाँ पे साइकिल, बैलगाड़ी, स्कूटर, टुक टुक, ट्रकें जो यहाँ की है ना वो लिटरली जैसे हमारे इंडिया की ट्रकें हैं ना, उसी तरह से ट्रकें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप देखिए वो सामने एक ट्रक जा रही है। अभी तक जितना हमने ट्रैवल किया ना, कम से कम 2 से 3 जगह पे तो लिटरली हमको चेक पोस्ट वगैरह पड़े, जहाँ पे इनके तालिबान के लोग, अफगानिस्तान के मिलिट्री आर्मी ये लोग लगे हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ हमसे पासपोर्ट मांगा, हमने पासपोर्ट वगैरह दिखाया, बहुत ही प्यार से यार, बहुत ही इत्मीनान से वो हमसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप यहाँ पे क्यों आए हो, चक्कर लगाने आओ, यहाँ पे घूमने को ये लोग चक्कर बोलते हैं। तो फिर जब हम एक्सप्लेन करते हैं हम घूमने आपसे मिलने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बोलते हैं कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें तुरंत बताइए। ये अफगानिस्तान के कुछ घर ऐसे हैं, ये थोड़ा सा पाई पक्का मकान है, अच्छा है, बट मोस्टली जितना भी रास्ते से हम गुजर के आए ना, यहाँ के जितने घर हैं वो मिट्टी के घर काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं यार। तो थोड़ा सा एक चीज़ तो समझ में आ गई भाई, गरीबी है यहाँ पे। जो अफगानिस्तान में नंबर प्लेट होता है ना, अब ये गाड़ी एक्चुअली रजिस्टर्ड हुई है काबुल से, तो इस वजह से इसमें काबुल लिखा हुआ KBL, और न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट है जैसे होता है, और ये प्राइवेट गाड़ी है तो इसलिए ये PRV लिखा हुआ है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ये हम गुजर रहे हैं बागलान शहर से, और ये भी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके होंगे, और यहाँ पे भी आप देखिए हर जगह भाई चारों तरफ तालिब AK-47 लेके घूम रहे हैं, मतलब कब कहाँ से कौन किस कोने से गुजर रहा है और किसके पास बंदूकें हैं, ये तो अलग ही माहौल है। अभी ना जो खौफ है वो दिल में बैठा हुआ है। भाई हम कहीं पे अभी आए हुए हैं, और हमारे जो रहमत भाई हैं वो बोल रहे हैं कि खैनजान करके है ये। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। ओ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, कैसे हो? ठीक है। हिंदी आती है आपको? हिंदी हो तो माशाल्लाह। तो ये गांव का नाम क्या है? नाम? हाँ, खैनजान। खैनजान, तो ये फेमस है अपने फल के लिए, फल के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं? कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई जान। तो यहाँ पे सेब मिलता है? सेब, सेब अंगूर के लिए फेमस है। नहीं, हिंदुस्तान, बॉम्बे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो मुझे समझ में आ रहा है कि सेब की पूरी मंडी है, तो अलग अलग क्वालिटी की सेब इस तरह से ये लोग पैक करके भाई बेच रहे हैं यहाँ पे। अफतालू यहाँ पे सेब कितना मीठा होगा कि इस पे शहद वगैरह जो मक्खियाँ हैं ना वो देखो उस पे हैं पूरी। और ये दूसरा फल है, ये तो छोटा वाला सेब काफी अच्छा है। और ये सारे भाईजान लोग लोकल, आप सब यहाँ पे ही रहते हो? सब यहाँ पे लोकल? ओ माशाल्लाह, शुक्राना। अच्छा ये अंगूर यहाँ का अपना ना अंगूर, तो ये एक अंगूर ये कितने का ये देते हैं एक पन्नी? आप समझते? हाँ हिंदी भाईजान बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यार ये लोग एक्चुअली सब लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये सारे छोटे अपने अफगानी बच्चे हमें देख के भाई मेला लगा लिए हुए हैं, ऐसा माहौल। माशाल्लाह। तो भाईजान ये क्या है?
आलू बालू आलू बालू आलू बालू आलू बालू आलू बालू आलू बालू। तो ये कुछ भाई बेच रहे हैं, ये देखिए ये छोटा छोटा, इसको तो आई थिंक मैंने ताजिकिस्तान और उन सब कंट्रीज में देखा हुआ था ये सारा। भाई ये बच्चा साइकिल लिया हुआ है, ट्रकें यहाँ पे चल रही हैं, तो लोकल लाइफ यहाँ की कुछ ऐसी है गाइस। थोड़ा सा माहौल यहाँ पे अजीब सा है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी यहाँ से दिखा के हम फिर से आगे बढ़ें। तो ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ, प्यार मज़ा आ रहा है। लबानी ओ मट्ठा 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 अफगानिस्तान मट्ठा, अफगानिस्तान का मट्ठा देखो यार लाजवाब, हिंदुस्तान जैसा मट्ठा अफगानिस्तान वाला मट्ठा। पुदीना वगैरह डाल के बेच रहे हैं, और ये सारे हमारे प्यारे प्यारे भाई अफगान प्याले ये कैंडी है यहाँ की छोटी मोटी, तो इसको इन्होंने देखिए आई थिंक स्टोर करके रखा हुआ पूरा, और ये छोटे छोटे बच्चों को बेचते हैं। इसका इसका एक गिलास कितना, एक गिलास कितना, पाँच रुपया, दस रुपया, दस 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 एक गिलास। कैसे हो आप? समझते हिंदी, आप समझते थोड़ा थोड़ा हिंदी? नहीं 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 थोड़ा 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 फारसी, और थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, समझते हैं ना? आप भी इसी गांव से? अस्सलाम वालेकुम। हिंदी हिंदी बोलने वाले भाई तो अलग ही माहौल है। आप चारों तरफ देखो, सब लोगों ने हमें यहाँ पे घेर लिया हुआ है, बट अच्छा है, सब अच्छे अच्छे से बात कर रहे हैं, सब प्यारे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। हमारा आज आपके अफगानिस्तान में पहला दिन है। बड़े मुझे मेवा मेवा मजा कोई मुश्किल अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि इस तरह से हम खुले हम अफगानिस्तान के इस तरह से गलियों में घूम रहे हैं, और लोग हमारा इस तरह से आप देखिए कितने अच्छे तरीके से वेलकम स्वागत कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए धीरे धीरे, और सब लोग ज़्यादा ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदी को समझते हैं और बोल भी बात भी कर पा रहे हैं। ओ अस्सलाम वालेकुम भाई, ओ वालेकुम सलाम। अरे हिंदी आप बोलते हो, माशाल्लाह, सब हिंदी बोल रहे हैं। हम हिंदुस्तान बॉम्बे से आए हैं आपके यहाँ चक्कर, हम टूरिस्ट टूरिस्ट नहीं 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 हम टूरिस्ट, हम घूमते टूरिस्ट करते और कैसे? बहुत बढ़िया। अब हिंदुस्तान में भी बारिश, यहाँ पे भी बारिश अभी नहीं चालू हुई? नहीं नहीं अभी तो नहीं चालू हुई। हाँ यहाँ थोड़ी सी गर्मी गर्मी यहाँ पे ना, बट हिंदुस्तान में अभी बारिश बारिश चालू हो गई। बारिश हिंदुस्तान में बारिश काफी ज्यादा चालू, बस आप सबके खैरियत। अभी तक तो सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ टूरिस्ट टूरिस्ट अभी चल रहा है अभी तक। हाँ अभी तक सब बढ़िया। नहीं नहीं आप लोग हो ना, आप लोग हैं। अरे शुक्राना शुक्राना भाई, शुक्राना भाई। वापस से गाड़ी में बैठ गया यार, एक एक साइड देखा जाए तो इतना अच्छा लग रहा था ना, मन कर रहा था कि भाई एक डेढ़ घंटे हम वहाँ पे निकाल दें, बट दूसरा हिस्सा इसका ये था ना कि भाई हर एक बंदे की नज़र हम पे पड़ना स्टार्ट हो गया, तो एक डर सा भी माहौल लग रहा था क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और कुछ महिलाएं वगैरह भी थी, तो उस चीज़ की वजह से हमें अच्छा नहीं लगा यार कि ज़्यादा देर तक हम रुके। पहले के अफगानिस्तान में और आज के अफगानिस्तान में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा भाई फ़र्क आ चुका है। यहाँ के लोगों के लिए अभी जैसे हम बोलते हैं यार तालिबान कैसा है, बाहर के लिए कैसा होगा, हमारे लिए अभी तक डे वन से लेके अभी तक जितना अभी हम ये काबुल के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं ना, सब कुछ पॉजिटिव वे में अच्छा जा रहा है। फिलहाल इस लोकल फूड्स को, जिसको मुझे अभी पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाप रे, हर एक फल भाई इतना मीठा है ना, इतना मीठा है। अभी हम इस आलम कहीं आसपास एरिया में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे अफगानिस्तान की ट्रकों की लाइनें आप देखिए, ये एक्चुअली नेशनल हाईवे जो कि काबुल की ओर जा रही है, और यहाँ पे भाई माशाल्लाह ड्राइविंग इनकी ना, मतलब इनकी ड्राइविंग देख के तो ऐसा खतरनाक वाला फीलिंग आ रहा है कि कब किस गाड़ी को कौन गाड़ी ठोकेगी पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल इनकी जो ड्राइविंग है ना अफगानिस्तान की, वो है यार राइट हैंड साइड, बट जो ड्राइविंग सीट है वो अगर आप नोटिस करोगे लेफ्ट हैंड साइड। बट आई थिंक इंडिया के भी ड्राइवर फेल होंगे अफगानिस्तान के ड्राइवर से, ये तो मैं ज़रूर बोल सकता हूँ जब से मैं आज इनको देख रहा हूँ ड्राइविंग करते वक्त। और रोड भी ना काफ़ी चौड़ी रोड नहीं है, पहाड़ एक्चुअली पूरा माउंटेन, और ये सारी गाड़ियाँ जो खड़ी हुई दिख रही ना ट्रकें, ये सारा भाई काबुल जाने वाला है। मैंने आपको बताया काबुल क्योंकि कैपिटल है इनका, तो सारा जो ट्रेडिंग वगैरह होना है एक जगह से दूसरे प्रोविंसेस में वो काबुल से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जितना अभी तक हमने ट्रैवल किया ना कुंदूज से लेके अफगानिस्तान के इस काबुल वाले मेन हाईवे पे, हर जगह ना चारों तरफ एक तो माउंटेन रेंज है इनका,
और जितनी भी बस्तियां हैं, कस्बे हैं और छोटे छोटे ये शहर बीच में आ रहा है। ये देखिए इस तरह से ये भाई गाड़ी में ये लोग बैठ कैसे ट्रैवल करते हैं। मतलब इसको भी देख के मुझे वाकई अफ्रीका की कुछ याद आ रही। मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना यहाँ पे उतना स्ट्रांग नहीं है। मेनली जो बड़े बसेस हैं कुछ हमें गुजरते हुए अभी तक दिखे हैं, अदरवाइज मोस्टली जिनकी गाड़ियाँ प्राइवेट कार वो लोग टैक्सी के तौर पर यूज़ करते हैं। और वो सारी गाड़ियाँ कार रेड कलर, ग्रीन कलर और पुरानी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और पहाड़ पे भी पूरा धुंधला छाया हुआ है चारों तरफ, ये मिट्टी के ढेले हैं बड़े बड़े, तो इस वजह से काफ़ी धूल वगैरह ऊपर उड़ रही है पहाड़ों में। तो वाकई यार अफगानिस्तान को जितना हमने वीडियोज़ में देखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, आज रियल जब अफगानिस्तान के सड़कों पे ट्रैवल कर रहे हैं ना, इसका जो फीलिंग है, इसका जो एक्सपीरियंस है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो लैंडस्केप है, पूरा माहौल ही अलग है। गाड़ी गाड़ी से धुआं कितना फेंक रहा है यार, बाप रे। अरे यार गाड़ी भाई हमारी काफ़ी गर्म हो गई है, तो रहमान भाई ने बोला कि थोड़ा सा इसको ठंडा करते हैं। और अभी आई थिंक इन्होंने जैसे नॉब खोला इतनी तेज़ से छिट्टा मारा ना कि पूरे चेहरे पे आ गया। तो अभी ठंडे पानी वगैरह ये यूज़ करें ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए। तो आप ये देखिए सारी ट्रकें, मैंने आपको बताया भाई ये सारी ट्रकें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अब ये पास इनको जब मिलेगा ना, जैसे हमारे इंडिया में पास मिलता है ट्रकों को तब ये आगे बढ़ती हैं, तो कुछ वैसे ही हालात हैं यहाँ पे। काबुल की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो कुंदुज नीचे था, अभी ऊपर हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, फिर पहाड़ से हम जाके नीचे डाउन हो जाएंगे। अभी किसी बंकर के पास हम गाड़ी रोक के खड़े हुए हैं। और ये भाई भूख लगी थी तो ये चिप्स आज मिल गया भाई अफगानिस्तान में भी, तो अफगानिस्तान का पहला चिप्स कुछ ऐसा है। और ऊपर सलाद वगैरह हमने डलवा दिया इसमें, और नमक और मिर्चा, तो इंडियन स्टाइल का बनाने की कोशिश की। और भाई जान यहाँ का नाम क्या है? सालन शमाली। ओके शालन शमाली। ओके तो भाई ये था वो शालन शमाली टनल यार। अब ये काफ़ी लंबा टनल है ऐसा लग रहा है मुझे। और भाई टनल को इन्होंने किस तरीके से बनाया और डिज़ाइन किया हुआ, मैं तो इसी को देख के शॉक हो गया हूँ। तो गाइज ऑलमोस्ट रात के 11 बज चुके हैं और फाइनली वेलकम टू काबुल, यानी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी ऑफ अफगानिस्तान। कुंदुज से सुबह 11 बजे मैं निकला और अब जाके हम पहुँचे हैं काबुल। लगभग आधे घंटे हुए होंगे हम यहाँ पहुँचे हुए। और ये है होटल, एक्चुअली यार होटल तो काफ़ी बड़ा है, बट होटल का नाम है एशिया होटल। आई थिंक ये 8 से 9 फ्लोर का है, काफ़ी बड़ा होटल है। और ये इनका रिसेप्शन वगैरह है यार। होटल को यार रिकमेंड किया था दोस्त ने, अरबाज भाई, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रह के गए हुए हैं, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पे मैं इस होटल में एक्चुअली रहने आया हूँ। सारे एक लाइन से होटल ही हैं यहाँ पे पूरा। ये आप देखो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इधर आगे बिल्डिंग, ये पूरा एक लाइन से भाई दाहिने और बाएं दोनों हाथ पे सारे एक से एक होटल हैं। बट ऑलमोस्ट आप ये सोचिए कि 3 से 4 होटल को हमने जाके देखा, इसके अलावा भी वो सारे होटल भाई कोई भी साफ़ सफाई या बाकी चीज़ें सर्विस जो मिलनी चाहिए वो उसमें नहीं दिखी। तो फाइनली हमने डिसीजन लिया कि हम इस एशिया होटल में रुकने वाले हैं। प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है अगर आप रुकना चाहोगे तो, 1800-1500 ऐसा स्टार्टिंग उन्होंने बोला। बट बाद में जब हमने बोला कि हमारा एक फ्रेंड यहाँ पे रह के जा चुका है, तब उन्होंने बोला कि ठीक है आप रुक सकते हो। तो फाइनली 1000 में हमारी बात हुई, हम दोनों लोग यहाँ पे रुकेंगे यार। 3 से 4 रेस्टोरेंट में हम गए, राजमा दाल सब्जी ये सब ढूंढने की कोशिश की, कहीं ये सब कुछ नहीं मिल रहा। सुबह आई थिंक यहाँ पे कल्चर है यार, जो जैसे हमारे इंडिया में नाश्ता वगैरह हम लोग कर लेते हैं ना, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। रात के टाइम पे तो सिर्फ आई थिंक हर जगह, रात या दिन में हर जगह आप देखोगे तो मोस्टली यहाँ पे सब कुछ नॉनवेज ही मिलने वाला है। तो अभी इसी होटल के बाहर ये भाई साहब काउंटर है इनका, आई थिंक ये होटल वालों का ही है। तो इनसे हमने रिक्वेस्ट किया, जो हमारे शेफ साहब हैं, कि आप कुछ भी करके हमें अंडे एटलीस्ट ऑमलेट बना दो। तो ये देखिए एक दूसरी कढ़ाई इन्होंने निकाल दी है, सबसे अच्छी बात तो ये, अब इस कढ़ाई में इन्होंने छौंका भी मार दिया। तो प्याज और मिर्चा और इधर कुछ टमाटर और लहसुन, तो हमने बोला कि भाई कुछ भी करके आप, ये भाई जान देखिए टमाटर काटने में हमारे लगे हुए हैं और छींक भी रहे हैं। तो ऑमलेट हम बनाने वाले हैं यार, यानी इनसे बोला कि ऑमलेट बना दो, तो ऑमलेट और ऊपर शायद ये रोटी यानी नान जो इनका होता है अफगानी नान वो हमें दे देंगे। बाहर कल सुबह देखेंगे काबुल में भाई क्या कैसे हिसाब किताब है, माहौल कैसा है। आपको एक्सपीरियंस शेयर करना था कि जब से मैं निकला था ना कुंदुज से इस पूरे काबुल के लिए, पहली बात तो लैंडस्केप जो था ना वो यार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था।
और भाई इतने चेक पोस्ट ताबड़तोड़ चेक पोस्ट, आई थिंक इतने चेक पोस्ट मैंने अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में आपको दिखाए होंगे, जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, नाइजेरिया, निजर, इन सब कंट्रीज़ में जो मेरा एक्सपीरियंस था। बट अच्छी बात ये रही कि पूरे चेक पोस्ट पे 10 से 12 बार हमें उतार के हमारा पासपोर्ट चेक किया गया होगा, वीज़ा चेक किया गया, स्टैंपिंग चेक की गई, सिक्का लगा है कि नहीं लगाया गया, और बाकायदा हमको खड़ा करके फ़ोटो वगैरह ये लोग खींचते थे और फिर जाने देते थे। कहीं भी किसी भी बंदे ने, पूरी आप सोचिए अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान का राज है, जो भी इनकी मिलिट्री थी, आर्मी थी और तालिबान के जितने भी ऑफिसर थे, किसी ने भी हमसे पैसे वगैरह नहीं मांगे, किसी ने भी हमें परेशान नहीं किया, बस पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, हिंदुस्तान से हैं, किस लिए आए हैं, क्या पर्पज़ है, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। अभी भी हमारे पास सिम कार्ड नहीं है तो इनका जो वाईफाई है वो कनेक्ट कर लिया, अब वाईफाई की स्पीड अभी अंदर जाने के बाद मैं चेक करके देखता हूँ कि भाई कैसा है। काबुल में जितनी भी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, सारी टोयोटा कोरोला जो है ना सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पर, जितनी भी टैक्सियाँ ना ये लोग टोयोटा कोरोला को ही यूज़ करते हैं। तो भाई जान आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ उबैद। उबैद, उबैद भाई जो हैं कि इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेते हैं, सबसे अच्छी बात। तो ये उबैद भाई अपने इस होटल के मेंबर हैं आई थिंक, और यहाँ पे काम करते हैं। आप काबुल से हैं? यस, मैं फ्रॉम काबुल। सो इंग्लिश आपने कहाँ से सीखी? व्हाट, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? Because English is a Malaysian language. Okay. Yeah. So you learn from where? College or where? From college and courses. Courses. Yes. You learn. And you can speak Pashto. Yes, I can speak Pashto, English, but not very well and very. Okay. थोड़ा थोड़ा. And Hindi कितना ज़्यादा समझ लेते हैं? Hindi कतना ना हुए. Hindi नहीं बोल पाते. No, no. अच्छा अच्छा. तो ये जो भाई साहब हैं बोल रहे हैं कि मुंबई काफ़ी खूबसूरत है, मैंने बोला सिर्फ मुंबई नहीं पूरा हिंदुस्तान काफ़ी खूबसूरत है, आप एक बार हिंदुस्तान आइए जैसे हम आपके अफगानिस्तान में आए। तो आप कब आ रहे हैं? यार मतलब एक चीज़ पता है क्या, मतलब आई थिंक ये मैं आपको बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ कि हर कोई बंदा ना स्माइलिंग है, वेलकमिंग है। रास्ते भर में भी जिनसे भी हम मिले ना, हर एक बंदे ने बोला कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाइए। मेहमानवाजी जो उनकी तरफ से वो दिखाई जा रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल आज हमारा सिर्फ दूसरा दिन है कुंदूज में, कल हम पहला दिन निकाले, आज दूसरे दिन भी हमारा पूरा ट्रैवल में निकल गया। तो लगातार दो दिन हम ट्रैवल में निकाल चुके हैं, अब कल थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम जो बाकी है काबुल में, स्पेशली परमिट वगैरह जो हमें चाहिए जिससे हम पूरे इस अफगानिस्तान के सारे प्रोविंसेस में सेफली और विदाउट किसी प्रॉब्लम के हम ट्रैवल कर सकें, तो वो काम हम कल करेंगे गाइस। तो वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर अपडेट करूँगा। You want to say something? No, no. Hindustan, any message? Hindustan people is very good people, a lot of them. Almost रात के 12 बज चुके हैं यार, और ये है वो अपना रूम जहाँ पे हम आज रात रुकने वाले हैं, एशिया होटल का जो मैंने आपको बताया। तो रूम तो यार ठीक है, स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा है और डबल बेड जैसा है। मुझे तो लग रहा है ऊपर भी कालीन इन्होंने बिछा दिया हुआ यार, दरी है ऊपर। अब चद्दर तो ये नज़र नहीं आ रहा पूरा, अगर आप देखोगे इसको नीचे जो मैट्रेस है वो तो बड़ा है, बाकी ये है। और ऊपर भाई एसी वगैरह है नहीं, तो इसमें इन्होंने पंखा लगाया हुआ है, टीवी भी लगाया हुआ है, टीवी आप देख सकते हो, तो एक हैंगर है इधर और पीछे ये पर्दा वगैरह। बाकी टॉयलेट यहाँ पे भी भाई कुंदूज जैसा टॉयलेट जैसे हमने आपको दिखाया ना, तो ये इंडिया की याद हमेशा यहाँ पे आती रहेगी जब जब अफगानिस्तान में हम रुकने वाले हैं। और खाना जो हमने ऑर्डर किया था भाई, खाना है ये, तो ये देखो बन के कढ़ाही में बोला था तो कढ़ाही में ही हमारा ऑमलेट आया हुआ है। थोड़ा सा मुझे देख के डर लग रहा है कि कहीं भाई इन्होंने चिकन के कुछ पीसेस डाले तो नहीं है, बट टमाटर विशाल ने बोला भाई कि टमाटर है। और ये दो नान इन्होंने दे दिया, नान भी आप देखो मोटा वाला है। तो आज का ये वीडियो अफगानिस्तान का आपने देखा गाइस कैसा रहा, पूरा ये सफ़र कैसा रहा, स्टार्टिंग ताजिकिस्तान के बॉर्डर क्रॉसिंग से लेके अफगानिस्तान के कुंदूज से फाइनली काबुल तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं वैसे देखा जाए तो, खाने से लेके स्टे से लेके वीज़ा वगैरह में कितना टाइम लगा, वो सारा प्रोसेस, फाइनली टैक्सी करना पड़ा, रास्ता काफ़ी कैसा था आपने खुद देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूं ही ट्रैवल करते रहिए पूरा सेंट्रल एशिया, फिलहाल अफगानिस्तान कंट्री। लेट्स रोम इंडिया इन अफगानिस्तान विद अंश मिश्रा। सी यू समवेयर ऑन द नेक्स्ट अफगानिस्तान। बाय बाय।